जिया कर धक धक अखियों में अखियां डाल। मैंने अपना एल्बम किया था 1993 में संदेशा, तो उस एल्बम में मैंने जिया करे धक धक गाया था आज से 20 साल पहले। I don't know कि 1950s का स्टाइल है 1960s का स्टाइल है, लेकिन ये है बड़ा पुराना स्टाइल जिस पे बेस्ड ये गाना बना है, a vintage sort of a feel. It's just a very basic old fashioned piano riff that I'm playing. Actually, every instrument is doing the same. Tick tock. It's difficult. और पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग टांगे में ही फिरते थे ना शहर में, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो आवाज़ क्या आता है आपको, टिक टॉक घोड़े की आवाज़ है। डबल ऑक्टिव प्ले हुआ हुआ इसमें, ये ख़ास रीज़न था कि गाने को जो है एक पुराने ज़माने का जो एक साउंड था वो बनाने का। 1 2 3 4 1 2 1 तो मेलोडिका की एक अपनी फील, एक वैम्पिंग के साथ और अकॉर्डियन पुरानी लाइफ स्टाइल में जिया करे, दोनों मिलके हमने स्टूडियो में सुना रिहर्सल करते वक्त, उसमें पुराने इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके थे, सितार भी आ चुका था। इट हैज़ वेरी जॉली काइंड ऑफ मूड। मैंने कोशिश की है कि मैं अपना ईस्टर्न स्टाइल जो है इसमें पेश कर सकूं और उसको उसको भी इतना ही जॉली बना सकूं। 20 साल पहले वाला जिया करे वो समथिंग एल्स, और अब ये जिस तरह हमने कोलैबोरेट किया है और विद अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस जिन्होंने किया, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा तजुर्बा मुझे नज़र आता है।